हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो जो योजनाएं हैं उनको अभी हम कवर करेंगे। और आज का सेशन बेसिकली हमारा एमसीक्यू सेशन है वो होने वाला है। आज के सेशन में हम थ्रू द एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे। एक दो स्कीम्स हमारी लास्ट क्लास की बची हुई हैं, सबसे पहले उनको देखेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद में हम जो एमसीक्यूज हैं, जो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं आपके, जो मैं फर्स्ट टाइम ही आपको करवा रहा हूँ, पहले कभी नहीं करवाए थे, यानी कि 2021 की जो स्कीम्स थी उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये हमारा पार्ट थर्ड है जो अभी हम करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने दो तीन पार्ट आपको करवा दिए हैं, आज हम एमसीक्यूज हैं जिनको करेंगे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सृष्टि, चंचल, मैत्रेय, स्वाति, सुबी, पुष्पा, यासी, एसपी, सुबा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गाइज आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं जो चल रहे हैं। अपना जो अपकमिंग कोर्स होगा वो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का होगा, यानी कि यूनिट 9 को मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं अभी। उसके अलावा लक्ष्य बैच है जो आपका भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पायर बैच है, टारगेट नेट जेआरएफ सेट बैच है, जिसमें पेपर वन एंड हिस्ट्री दोनों आपके स्टार्ट हो चुके हैं, कल से बैच स्टार्ट हो चुका है आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों कंबाइंड आपको मिलने वाले। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, 24 मंथ एंड 12 मंथ का सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, इसको आप ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव10। जैसे आप रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट यहां से मिलेगा। आइकोनिक भी आप ले सकते हो, 24 मंथ 12 मंथ एंड 6 मंथ। ज्यादा फायदा आपका आइकोनिक में होगा क्योंकि यहां से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको यहाँ से मिलता है। उसके अलावा ये आपका शेड्यूल है, इसको आप फॉलो करो ऑन द रेगुलर बेसिस। अपकमिंग जो हमारी क्लास होगी स्पेशल पे वो आपका 4 PM पे होगी। तो जो भी नए स्टूडेंट है गाइस, इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस एंड PDF को भी ले सकते हैं। चलिए जी, और आज का जो आपका ओपन हाउस सेशन है गाइस, उसमें हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में डिस्कस करेंगे। वेटलैंड डे जो 2022 वाला वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास के जस्ट बाद आपका ये आस्क मी एनीथिंग वाला जो सेशन है वो आपका 8:55 पे है आज, ठीक है? तो आप 8:50 पे ही इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है? 8:50 पे इसको ज्वाइन कर लेना सब लोग। और इसमें हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा मैं, हिस्ट्री, प्रेजेंट टाइम पे, करंट, सारी चीज हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ से वो भी आप उससे पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड या जो भी आप उससे पूछना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। आप सभी लोग एक बार इसको लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। फटाफट से लाइक और शेयर करो जिससे बाकी स्टूडेंट आपसे जुड़ पाए। चलो तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको देख रहे थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी हम एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड, एंड एक आपका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, मोस्टली आपकी यही स्कीम्स हैं जो NTA के एग्जाम में पूछी जाती हैं। एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, मोस्टली यही स्कीम्स हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। चलिए तो एक स्कीम है आपकी जो आपको याद रखनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है, जिसका नाम है ग्राम उजाला स्कीम, ठीक है? ग्राम उजाला। अब देखो, ग्राम उजाला से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ग्राम मतलब गांव, उजाला मतलब रोशनी, गांव में हमें क्या करनी है, रोशनी करनी है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि भाई ये लॉन्च कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी विद्युत मंत्रालय है के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
लॉन्च कब किया गया? मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंडर में होगा क्या? इस स्कीम के अंडर में गाइस हम 1,50,00,000 एलईडी बल्ब है वो रूरल एरियाज में बांटेंगे और 10 रुपए का एक बल्ब आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है, गांव में उजाला करना है। किससे उजाला करेंगे? एलईडी बल्ब से करेंगे। 1,50,00,000 बल्ब बांटे जाएंगे 10 रुपए की कॉस्ट। ओके, नाउ अब देखो होगा क्या कि आपके पास जो पुराने वाले जो बल्ब होते हैं, इनकैंडेसेंट वाले जो बल्ब होते हैं, है ना, उनके बदले आपको 5 एलईडी बल्ब है वो दिए जाएंगे नाउ। और इस स्कीम को लागू कौन कर रहा है? जैसा कि हमने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर रही है, लेकिन एजेंसी कौन सी है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये इसको लागू करने वाली। तो सिंपल सा 2-3 चीजें याद रखने की, भाई ग्राम उजाला है क्या? ग्राम उजाला में बेसिकली क्या है कि एलईडी बल्ब है वो बांटे जाएंगे, गांव में बांटे जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, बस इतना याद रखिए। ओके, और प्रेजेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है राजकुमार सिंह, इसको भी जरूर याद रखना। ओके, और ये फर्स्ट फेज में ये जैसे बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न गुजरात, यहां पे बेसिकली ये स्कीम है जिसको शुरू किया गया है। उसके बाद में आपका एक स्कीम है फेम इंडिया स्कीम, ये काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए। देखो सबसे पहले तो आपको फेम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि भाई ये फेम है क्या। तो फेम का फुल फॉर्म क्या है? फेम की दो स्कीम आ चुकी है, मतलब दो इसके वर्जन आ चुके हैं, एक फेम वन है एक फेम टू है। फेम की हम बात करें तो वो है आपका फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, फेम की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करना है देश में। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चलाना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो चलाना है, आप देखते होंगे अभी बहुत सारा ट्रेंड में आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी ग्रीन नंबर प्लेट होती है, वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। ग्रीन नंबर प्लेट जो होती है वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं मोस्ट। ये आपका वैसे तो 2019 में स्टार्ट किया गया था, जो कि मार्च 2022 में कंप्लीट होने वाला है। इसमें बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड सेड ट्रांसपोर्टेशन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है, इलेक्ट्रिक आपकी व्हीकल चलाने हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी आपकी, है ना, जो भी चीजें हैं मोस्ट ऑफ द आपकी किससे चलने वाली है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। तो ये चीज आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेम की फुल फॉर्म क्या है, तो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपको याद रखना है हमेशा। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे एग्जाम के लिए, यूआई स्कीम, जो कि लेटेस्ट एक स्कीम है, मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम, शिक्षा मंत्रालय की ये योजना है। ओके, यूआई स्कीम किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की आपकी योजना है। इसका फुल फॉर्म देखिए, युवा, वाई से यंग, यू से आपका अपकमिंग, वी से आपका वर्सटाइल एंड ए से आपका ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन द यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो द 30 इयर्स, मतलब कि यह है प्रधानमंत्री लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिसमें क्या है 30 साल से कम के जो ऑथर हैं, जो ऑथर बनना चाहते हैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ से। तो आप में से जो भी स्टूडेंट राइटिंग वाइटिंग लिखते हैं या पोयम वगैरह लिखते हैं या कुछ कहानियां आप लिखते हैं, तो आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, युवा योजना, क्योंकि ये उन्हीं को सपोर्ट कर रही है जो ऑथर बनने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। लॉन्च किसके द्वारा की जा रही है, यानी योजना शुरू किसके द्वारा की गई है,
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मार्च 2021 में इसको शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका, एम क्या है? एम यही है दोस्तों कि हमारे देश में, जैसे कि आप सब लोग भी उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं कि हम सब लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पूरा का पूरा चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि एक रीडिंग हैबिट है वो पूरा कम हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर को दोबारा से प्रमोट किया जाए, है ना? तो क्या करना है बेसिकली, रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर को दोबारा से प्रमोट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, लॉन्च हुआ तब रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन प्रेजेंट में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो हमारे क्या है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये युवा स्कीम आपको याद रखनी। ओके, अब देखो ये जो युवा स्कीम है ये आजादी का अमृत महाउत्सव का पार्ट है। अब आजादी का अमृत महोत्सव क्या है कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके, हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस स्कीम की? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आपसे पूछ ले कि युवा स्कीम को कौन लॉन्च मतलब इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? लॉन्च तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो इस स्कीम को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। इसके अंडर में 75 यानी 75 ऑथर्स हैं जो सेलेक्ट किए जाएंगे और जिनको क्या मिलेगा, आपका ट्रेनिंग मिलेगी या मेंटरशिप जिनको मिलने वाली है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम करने वाले हैं। तो देखो अभी बहुत कम स्टूडेंट हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप शेयर वेयर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर DEA एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन। द प्रोजेक्ट विल कवर 6 हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ। करेक्ट आंसर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। बताओ सब लोग सही उत्तर क्या होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही उत्तर है आपका, वो है डी, नाइदर वन एंड नाइदर टू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर कर रहे हैं सी, पता नहीं क्यों सी कर रहे हो, ठीक है। स्टार प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है ना? सबसे पहले तो देखिए ये जो स्टार प्रोजेक्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैं बता देता हूं कि तीन इसमें पार्टनर हैं आपके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक आपका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक है आपका वर्ल्ड बैंक। गड़बड़ कहां पे हुई है? वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जगह इसने दे दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB दिया है। होना क्या चाहिए था आपका? वर्ल्ड बैंक। तो पहला ऑप्शन तो गलत, क्यों? क्योंकि यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक दिया है, मतलब कि आंसर में आएगा आपका वर्ल्ड बैंक
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें दिया गया है कि विल कवर सिक्स हिल स्टेशन। नहीं, इसमें आप देखेंगे तो राजस्थान भी इंक्लूड है, राजस्थान कोई हिल स्टेट नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेट हैं इसमें। तो देखो, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक राजस्थान है, एक आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरला है एंड उड़ीसा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज और ये आपको याद ये रखनी है कि भाई ये स्टार प्रोजेक्ट है क्या। तो देखो, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ स्टेट्स। तो देखो, बेसिकली स्टार प्रोजेक्ट है वो स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। सिंपल सी बात ये है, स्कूल एजुकेशन में सुधार करने के लिए ये आपकी जो स्टार प्रोजेक्ट है इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीन लोग इसको मिलके चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? स्कूल एजुकेशन में अवर रोल हमें मॉनिटरिंग करनी है और मेजरमेंट लेने हैं, जिससे कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हम क्या कर सके, सुधार कर सके। ये बेसिकली इसका एम। नाउ द नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान के बारे में बताइए, सही आंसर क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पढ़ना लिखना अभियान। द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ द प्रोग्राम इज टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू 57 लाख नॉन लिटरेट अडल्ट इन द कंट्री इन द एज ग्रुप ऑफ 6 ईयर एंड अबव, पहला ऑप्शन। दूसरा है, दिस स्कीम विल फोकस ऑन अचीविंग 100% और टोटल लिटरेसी बाई द 2030। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन है जो सही है? एवरी वन आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर कीजिए सही उत्तर क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान के बारे में आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या नाइदर वन एंड टू, करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेटवर्क इश्यूज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, है ना। एक बार आप, आई थिंक अभी ठीक होगा, एक बार चेक कीजिए सब लोग, अभी ठीक है। तो ये जो आपका पढ़ना लिखना अभियान है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखो, पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान क्या है? पढ़ना लिखना अभियान से क्या है कि इसमें 100% और टोटल लिटरेसी हमें 2030 तक क्या करनी है, अचीव करनी है, 100% लिटरेसी। अब देखो, हमारी जो एनईपी थी 2020 वाली, 2020 वाला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, उसमें भी हमने यही टारगेट रखा कि 2030 तक हमें 100% लिटरेसी लानी है। ठीक है, ऐसा ही एक टारगेट हमने हायर एजुकेशन के लिए रखा था कि 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लाना है हमें इन हायर एजुकेशन। तो ये दो चीज आपको याद रखनी। हायर एजुकेशन की आपकी कोई बात करें तो आप बताएंगे कि सर 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लाना है 2035 तक। पढ़ना लिखना अभियान क्या है कि 2030 तक स्कूल एजुकेशन में, है ना, हमें क्या करना है, 100% लिटरेसी लानी। क्लियर है सबको इतना एकदम? ओके चल, अब आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि क्वेश्चन गलत कहां से हुआ। अब देखो, यहां पे क्या दिया है,
सिक्स ईयर और अबव, क्या दिया है, सिक्स ईयर एंड अबव। लेकिन यहां पे होना क्या चाहिए था आपका कि 15 साल और उससे अबव, है ना, 15 साल और उससे अबव इसका एज है आपका। तो इसमें क्या करना है, इसका टारगेट ये है कि हमें फंक्शनल एंड न्यूमरेसी जो बेसिक एक एजुकेशन है वो 57 लाख न्यू लिटरेट अडल्ट एज को देनी है, जो कि 15 साल और ऊपर से है। और हमें ज्यादा प्रायोरिटी पे किसको रखना है, जहां पे फीमेल जो रेट्स लेस देन 60% है वहां पे हमको ज्यादा इस पे टारगेट करना है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युक्ति, युक्ति के बारे में बताना है, युक्ति 2.0 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द युक्ति 2.0। युक्ति स्टैंड फॉर यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उसके बाद में है, इट इज अ स्कीम लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है आपके यहां, इसका आंसर कीजिए। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन एंड टू, सही उत्तर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युक्ति 2.0। युक्ति 2.0 बताइए करेक्ट आंसर क्या हो। एनवायरमेंट है वो आपका प्लस पे स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे नहीं स्टार्ट होगा। ओके चलो, इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ए। देखिए सबसे पहले तो देखो कि युक्ति का फुल फॉर्म क्या है। युक्ति का जो फुल फॉर्म है वो है आपका यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी। ओके ना, अब आता है कि भाई ये शुरू किसके द्वारा की गई, है ना, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, 3 जून 2020 को ये शुरू किया गया, है ना, युक्ति वेब पोर्टल। Now, अब ये बेसिकली इसमें है क्या, ये युक्ति पोर्टल में देखो युक्ति में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई आइडिया है, तो ये आपके स्टार्टअप है, या आपके पास में कोई इनोवेटिव आइडिया है जिससे आपका बिजनेस बढ़ सके, है ना, तो हमें क्या करना है, युक्ति पोर्टल पर अपने आइडियाज हैं वो डालने। ठीक है, दिस पोर्टल विल हेल्प टू सिस्टमेटिकली असिमिलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कॉमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन अवर हायर एजुकेशन सिस्टम। जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई आइडियाज हैं, कुछ स्टार्टअप के आइडियाज हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है युक्ति पोर्टल। ये आपका कोविड के दौरान क्या किया गया था, लाया गया था। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, फुल फॉर्म है इसकी यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कपिला कंपेन। ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों नए हैं, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले नहीं करवाए हैं, फर्स्ट टाइम आपको करवा रहा हूं। अच्छे से कीजिए, इनको ध्यान से कीजिए, अपने नोट्स भी साथ में बनाते रहो। एवरीवन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कपिला कंपेन। द कंपेन वॉज लॉन्च ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहली चीज, द कंपेन इज लॉन्च फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। पंद्रह सेकंड, जल्दी से बताओ। Consider the following statements about the Kapila campaign. The
कपिला कंपेन के बारे में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट हैं जिनको बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन एंड। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं, बट द आंसर इज सी। ठीक है, तो एक दो स्टूडेंट का ही ठीक है, सृष्टि का ठीक है, सरिता का ठीक है, बाकी किसी का ठीक नहीं है। दो स्टूडेंट है जिसका ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो देखो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कब होती है कमेंट करके बताओ। तब इसको लॉन्च किया गया था, और ये किस लिए किया गया था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी के बारे में, ये जो कंपेन है जिसको लॉन्च किया गया। तो देखो अक्टूबर 15 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, 2020 में ये लॉन्च की गई थी कपिला, है ना। और कपिला की फुल फॉर्म क्या है आपकी, फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए हम सबको, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, ये जरूर आप लिख लीजिए, कपिला की फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी। कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, और ये 15 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था, और ये किस लिए किया गया है, कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि पेटेंट की अवेयरनेस हमारे पास में होनी चाहिए। पेटेंट की अवेयरनेस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज लिखी है, तो आपकी क्रिएटिविटी को कोई चुरा नहीं ले। ये मैंने एक आपको सेशन लेके भी बताया था कि ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट से क्या मतलब है ना, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कोई चुरा ना ले, इसलिए आपको क्या करवाना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है। तो इन सब के नॉलेज अवेयरनेस के लिए हमने कपिला जो प्रोग्राम है वो चलाया था। नाउ द नेक्स्ट बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आपको बताना, ट्यूलिप प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड MHRD। दूसरा है, इट इज अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है, आंसर बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। चलो, द वेरी करेक्ट आंसर इज सी। देखो दो तीन चीजें हैं जो अच्छे से आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि भाई ये ट्यूलिप है क्या। ठीक है, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है जो पुराने स्टूडेंट है, ट्यूलिप का मतलब है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये है आप, इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट हैं इनको क्या करना है, इनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देनी है, यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम है अर्बन लोकल बॉडीज और जो स्मार्ट सिटीज हैं उनके। ठीक है, इस ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है।
ये जरूर आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली तीन मिनिस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको जब ऑप्शन में आएगा तो एक ही आएगा मोस्टली, और वो आएगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। करना क्या है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, जो शहरी निकाय है, अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है, शहरी निकाय और जो आपकी स्मार्ट सिटी है, उनके अंदर क्या करनी है, इंटर्नशिप करनी है। इज इट क्लियर? शहरी निकाय और स्मार्ट सिटीज है, उनमें इंटर्नशिप करना है जो भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा के बारे में आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है सब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इनिशिएटिव फॉर सोशल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 15 सेकेंड आपके पास में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या। फर्स्ट, टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू इंक्रीज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, हैंडल डाइवर्स सिचुएशंस एंड एक्ट एज फर्स्ट लेवल काउंसलर्स, इट इज एन इनिशिएटिव टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री स्टेज, इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, या नन ऑफ द। सही आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या है। तो 15 सेकेंड आपके पास में है और 15 सेकेंड में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। सो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आंसर दीजिए इसका। निष्ठा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है और उसका आंसर देना है। चलो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर होगा आपका, वो है आपका डी। एंड ये भी आज गलत है, आज बहुत कम स्टूडेंट है जिनके आंसर्स ठीक हो रहे हैं, है ना, नए क्वेश्चन आते ही गड़बड़ हो जाता है सब, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप थ्योरी की क्लासेस लीजिए सब। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अब पढ़िए, है ना, सबसे पहले तो देखो निष्ठा आपको पता होना चाहिए कि भाई ये निष्ठा है क्या ना। तो निष्ठा क्या है आपका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है आपका निष्ठा। तो प्लीज इसको याद रख लेना कि निष्ठा क्या है सबसे पहले। नाउ अब देखो निष्ठा के बारे में हम पढ़ते हैं, ये पार्ट है नेशनल मिशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, ठीक है, ये समग्र शिक्षा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये आपका आता है सबसे पहले। ये चलाया क्यों गया है निष्ठा, जो स्कूल टीचर्स हैं, है ना, एंड जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनको बेसिकली उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए चलाया गया है। टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू इंक्रीज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, हैंडल डाइवर्स सिचुएशन एंड एक्ट एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर्स। देख निष्ठा का मतलब क्या है, कि साफ सा मतलब है इसमें कि देखो
अगर हिंदी में लिखेंगे तो निष्ठा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है निष्ठा वाला, ये बात सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद। इसमें क्या है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है बेसिकली, जिससे कि वो बच्चों को क्या कर सके, काउंसलिंग दे सके ना। क्योंकि स्टूडेंट के लिए उसके टीचर्स हैं वो फर्स्ट लेवल काउंसलर्स होते हैं, उनको क्या करना है यहाँ पे, ट्रेनिंग देनी है निष्ठा के द्वारा। तो इसको सब लोग याद रख लीजिए। तो द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, विद्यांजलि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्कीम, तो देखते हैं कितने लोग इसको बता पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विद्यांजलि, विद्यांजलि के बारे में आपको सही उत्तर है वो बताना है। विद्यांजलि इज ए स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम, द वॉलंटियर विल एक्ट एज मेंटर्स, कॉन्फिडेंट्स एंड कम्युनिकेटर विद चिल्ड्रन। आप हमें बताएं कि विद्यांजलि स्कीम से आप क्या समझते हैं सब। बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विद्यांजलि, विद्यांजलि स्कीम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन एंड। सही आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो द वेरी करेक्ट आंसर इज सी। देखो विद्यांजलि क्या है, एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है आपका, है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके कुछ वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वो बच्चों से एज अ मेंटर उनके साथ काम करेंगे, है ना, एज अ कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेटर के रूप में बच्चों के साथ में वो क्या करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट से बातचीत करना बहुत जरूरी है। अभी वो टाइम नहीं रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़ के ही हम पूरी जिंदगी निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि बच्चों को बोलना भी आना चाहिए, है ना, उनको डिबेट आनी चाहिए, और स्पोर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए, है ना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इन सब के लिए ये वॉलंटियर्स हैं, इनको लगाया जाएगा ना। ये विद्यांजलि है आपका स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हमें करना है, जो गवर्नमेंट स्कूल से है ना, और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही चल रहा है, ये भी याद रखना। शिक्षा अभियान आपने पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, स्पेशली फर्स्ट से लेके एट्थ तक की जो स्कूल है, जो क्लास है, उनके स्टूडेंट के लिए ये चलाया गया है ना। और ये आपका क्या है कि जो प्राइवेट यानी जो आम लोग है ना, जो कम्युनिटी पीपल है, वो बेसिकली क्या करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे। वॉलेंट्री प्रोग्राम है ना, एक से लेके और 8वीं क्लास तक के प्रोग्राम है आपका, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, है ना, ये चलाए जा रहे हैं। सिर्फ याद रखना, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, जस्ट वेट, अभी एक बार चेक कीजिए सब लोग, अभी भी नेटवर्क इश्यू है या नहीं है। चलो सो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका डी। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से देखिए,
इसमें बेसिकली है कि बच्चों में स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करना। इसरो का ये प्रोग्राम है आपका। और ध्रुव, ध्रुव ध्रुव तारा जानते हो ना सब लोग, आप पोल स्टार जिसको बोलते हैं अपन, है ना, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा तो हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार ना, उसके नाम पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है ध्रुव प्रोग्राम, तो जरूर याद रखना, ये इसरो के द्वारा बेसिकली जो प्रोग्राम है ये आपका चलाया जा रहा है। नाउ इक्यूप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, तो हम बोलते हैं इक्यूप। इसका आंसर मुझे दीजिए आप सब लोग। इक्यूप प्रोग्राम टू डबल द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, फर्स्ट टू पोजिशन एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आंसर बताओ। इक्यूप प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन है और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है इसका। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम स्टेट वन एंड टू, दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर तो बताओ जल्दी से। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या नाइदर वन एंड, तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, ओनली वन। ठीक है, तो देखो इक्यूप का मतलब क्या है, टू डबल द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन एंड रिसोल्व द ज्योग्राफिकल एंड सोशली स्क्वीड एसेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, है ना। और एक इसका है कि हमारे जो हायर एजुकेशन है एटलीस्ट टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में, टॉप 50 में, तो 50 इंडियन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ये भी इसका एक टारगेट है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो वैसे तो हमारी काफी स्कीम्स हैं जो गाइज अभी बची हुई हैं जिनको हमें करना है, बट अभी हमारा टाइम हो चुका है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए सब लोग, कमेंट करके भी बताना कि ये सेशन कैसा लगा आपको लास्ट में। उसके अलावा गाइज अभी हमारा क्या है, टुडे आपका एक सेशन है जिसमें हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग स्पेशली आइकॉनिक सब्सक्राइबर, प्लस सब्सक्राइबर एंड आपके स्पेशल क्लास सब्सक्राइबर सब लोग ओपन हाउस को ज्वाइन करो, जस्ट अभी आपको स्टार्ट होने वाला है। मेरी प्रोफाइल में जाके आपको उसका लिंक मिलेगा, आप अनअकैडमी ऐप पे जाके चेक करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं आपके ग्रुप्स वगैरह में भी ये शेयर हो जाएगा, तो वहां से जाके आप इस लिंक को ज्वाइन करें सब लोग जल्दी से अभी फटाफट। ओके नाउ, उसके अलावा अगर आप आइकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप ले सकते हैं। लक्ष्य बैच आपका पेपर वन के लिए चल रहा है, इसके अलावा एस्पायर बैच है, टारगेट नेट जेआरएफ सेट 2022 बैच है, ये सारे के सारे बैच हैं जो आपके चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके आइकॉनिक के प्लान है, ये आपके प्लस के प्लान है, 24 मंथ एंड 12 मंथ का सबसे बेस्ट प्लान है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है कैपिटल में शिव 10, जैसे ही लगाएंगे तो इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं, ज्यादा फायदा आइकॉनिक में होगा क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन ये सब आपको मिलते हैं। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। स्पेशल क्लास आज आपकी 4 बजे होगी, 4 PM पे, तो सब लोग स्पेशल क्लास को भी अटेंड करें एट 4 PM। रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ से मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए ये शेड्यूल है और अभी सब लोग अभी ओपन हाउस को ज्वाइन करो एवरीवन। ठीक है, सब लोग मुझे मिलिए ओपन हाउस में एवरीवन। अभी स्टार्ट हो रहा है आपका, 7:50 पे हम स्टार्ट करेंगे इसको, जिसमें हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड वेटलैंड
डी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सब लोग मिलिए आप ओपन हाउस में 7:50 AM। ओके, तो थैंक यू सो मच, पसंद आए तो